आज हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर गायिका हेमा सरदेसाई जी हैं। आइए रूबरू होते हैं उनसे। हेमा जी, आप इस फिल्म में गाने गा रही हैं, इन द नेम ऑफ टाई। किस तरीके की फिल्म है ये फिल्म? ऑन अ कॉज है, एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। आप जानते हैं कि मैं स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई हूँ और मैंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, औरतों की अच्छाई के लिए दुनिया में बहुत मैं उन सब संस्थाओं से जुड़ी हूँ और मैंने काफ़ी सारा सोशल एक्टिविटीविज़म टूवर्ड्स विमेन किया है। अच्छाई जो होना चाहिए, जो अच्छा विमेन के लिए। तो इस फिल्म में भी मैं इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि ये एक फिल्म है जहाँ नवलीन कुमार जी जैसी एक ग्रेट लेडी है जिन्होंने अपनी जान दे दी ट्राइबल्स, हमारे जो आदिवासी हैं उनको अपना हक दिलाने के लिए। ये जो डायरेक्टर साहब उज्जवल जी हैं, हाँ जी, इन्होंने पहले भी एक फिल्म जो वजीर थी जो काफी 9 अवार्ड्स मिले उनको, लेकिन वो जो फिल्म थी वो बैन हो गई थी, ये भी काफी कॉन्ट्रोवर्सियल है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये ऑलरेडी सेंसरशिप में ओके हुआ है ये फिल्म और इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसी बात है कि कई कई ऐसे क्षण होंगे जहाँ ओ माय गॉड, मतलब ऐसा आवाज़ आएगा कि ऐसा भी होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फिल्म है। इस फिल्म में कौन सा गाना गाया आपने? मैं थोड़ा गा के सुनाऊंगी क्योंकि फिर श्रोता बोलते हैं यू डिडंट सिंग हेमा। हाँ, मोरी प्यारी रामा, मोरी प्यारी रामा, मोरी प्यारी हो रामा, मोरी प्यारी रामा, मोरी प्यारी। आपने कई सारे सुपरहिट सॉन्ग्स हमें दिए हैं, जंगल है, आधी रात है, आज भी लोग याद करते हैं, इश्क चांदी है, इश्क चांदी है, तो कई, तो न्यूज़ पॉइंट के लिए गाना गुनगुनाइए। डेफिनेटली आवारा भवरे तो मैं जान ही जाती हूँ, आवारा भवरे गर्ल, लेकिन मैं बादल पे पाँव गाऊंगी जो मेरा चक दे इंडिया का गाना है। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, छुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी हमारी लड़कियों की नाव है। या, या, या।